हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ ये जो मैंने प्लांटर बनाए हैं। मैंने शायद इसकी वीडियो जो है अपलोड कर दी है अपने चैनल पे, कर चुकी हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं उस पे जाकर भी। और आप देख सकते हैं कि मैंने प्लांटर बनाए हैं डिब्बों के, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज डिब्बे थे मेरे पास जिनमें घर का सामान रख लेते हैं कुछ, तो वो जो मेरे पास खाली पड़े हुए थे मैंने वो रीयूज़ कर लिए हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें मैंने क्या लगाया, तो मैंने इसमें भिंडी के पौधे लगाए हुए हैं। बीज पड़े थे, मैंने बो दिए। आजकल तो वैसे भिंडी बो ही नहीं जाती है, फिर भी मैंने लगा दिए हैं, देखो क्या होता है। तो चलिए, पहले तो ये आप देख लीजिए कि आप भी बेस्ट, अगर डिब्बे पड़े हैं और आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं कि पॉट ना लाने पड़े, और पॉट काफ़ी महंगे होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक के हों या सीमेंट के हों या फिर मिट्टी के हों, तो आप ऐसे भी गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। देखिए, आप सोचेंगे कि कुछ चेंज लग रहा है मेरी वीडियोस में, कि देखिए मैंने इधर के जो प्लांट्स हैं वो सारे हटा दिए हैं, और मैं अभी आपको बताऊंगी कि वो कहाँ मैंने पहुँचा दिए हैं। आप बने रहे मेरे साथ। तो देखिए, ये जो आधे पौधे हैं मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, और जो पौधे यहाँ से कहाँ गए वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले आप देखिए मेरी ये ग्रो बैग्स। पहले मैंने इनमें सब्जी बो दी थी, मैंने वीडियो दिखाई थी कि मैंने सिर्फ धनिया और पालक बोया था, जो कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई उसके बाद वो गल गया, वो उगा नहीं। मैंने अब दोबारा से इसमें पालक, धनिया और मेथी बोई है इन तीनों ग्रो बैग्स में। इस वाले ग्रो बैग में मेरे बैंगन लगा हुआ है, और ये जो दो ग्रो बैग हैं इसमें देखिए अपराजिता के जो सीड्स मैंने बोए थे वो कितने अच्छे से ग्रो हो चुके हैं। अब मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूंगी अलग, और इन दोनों ग्रो बैग्स में भी मैं कुछ ना कुछ बोऊंगी, इनको भर के इनको भी यूज़ करूँगी। और आप देख सकते हैं ये जो मेरी कटिंग्स थी वो कितनी सारी अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। सारी कड़ी पत्ता देख लीजिए आप कितना अच्छा हो रहा है, तो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं मेरे पौधे। तो आपने मेरा ये वाला कॉर्नर जो है देख लिया है कि ये कैसा लग रहा है, देखिए। और आप देख सकते हैं मेरे जो ये बैंगन के प्लांट हैं, इनकी कटिंग के बाद ये कितने अच्छे से ग्रो होकर के आए हैं, और फूल भी बहुत सारा बन रहा है। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, देखिए ये मोस रोज के प्लांट मैंने यहाँ लगा दिए हैं। और आप देख सकते हैं ये वाली वॉल पे मैंने ये वाले जो प्लांटर मैंने बनाए हैं डब्बे काट के, उनका जो ऊपर वाला हिस्सा था, मुँह थे तो उसके भी मैंने पॉट्स बना दिए, इनमें भी मैंने फॉर्चूला लगा दी है। और देख सकते हैं आप ये कितनी अच्छी लग रही है वॉल, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने प्लांट्स कहाँ लगाए हैं अपने, तो चलिए प्लांट्स के पास लेके चलते हैं आपको। देखिए गाइस, ये जो मेरी सीढ़ियाँ हैं ये ओपन हैं, बाहर की तरफ हैं, घर के अंदर नहीं है, तो इनके ऊपर जो है कुछ है नहीं, कि ये बंद नहीं है, खुली हुई है। तो ये जो वॉल थी ये 9 इंची की वॉल है, और इसके ऊपर मैंने अपने ये वाले प्लांट्स ग्रो बैग वाले सारे इस तरह से लाइन टू लाइन रख दिए हैं। और कुछ प्लांट्स जो शैडो में भी चल जाएंगे, जैसे ये हो गया यूफोबिया मिली, पाम हो गया, ये हो गया सॉन्ग ऑफ इंडिया, और इधर टिकोमा, और ये बहुत सारे प्लांट मैंने इस तरह से सीढ़ियों पे लगा दिए हैं। आपको मैं ऊपर से व्यू दिखाती हूँ इसका, ओवरऑल व्यू देखिए गाइस, ये मैंने इस तरह से रख दिए हैं। और ये फॉर्चूला का टब भी मैंने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हैं, और वो रखे मेरे प्लांट्स। तो ये जो मेरी सीढ़ियाँ हैं इनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब आप देख सकते हैं। तो चलिए, आप बने रहिए मेरी वीडियोस के साथ, देखते रहिए मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस, और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और देखते रहें मेरी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोज़। बाय बाय।